ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना नजरसानी केस विफाक ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सहरिश खान से। जी सहरिश खान, बताइएगा नजरसानी केस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्तों पर आज अहम समाअत होने वाली है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादरी फैसला की फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का तीन बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस असमीन अलाइज बेंच के अंदर शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला कर लिया है। वफाक ने बजरिया बिलार से दिफा फैजाबाद धरना केस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी और इससे कब पिछले हफ्ते के अंदर आई बी और कैमरा ने भी सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए अपनी मुतफरिक दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की थी, जबकि शेख रशीद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त की समाअत को मुलतवी करने की इस्तेदा कर दी गई है। उस दरख्वास्त के अंदर मौकफ़ तैयार किया गया है कि उनके वकील अमानुल्लाह किनानी जो हैं वो बलूचिस्तान के वजीर बन चुके हैं, इसलिए अब वो अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये बता चुके उस केस के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने के ऊपर मामले के ऊपर उसको नोटिस किया था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वकील जस्टिस शीर आलम और जस्टिस कादरी फैसला पर मुस्तमिल दो रुकनी बेंच ने 2019 में ये फैसला सुनाया था इस मामले के ऊपर। बहुत शुक्रिया सरेश खान आपका।